सभी प्यारी प्यारी माता बहनों और प्यारे भाइयों, आज जो कमेंट आए थे वो इन कमेंट्स के ऊपर वीडियो का टॉपिक मैं लेकर आया हूँ। पहला कमेंट है पूनम राय का, जो कि पूछ रही है कि हमें कुछ ऐसा उपाय बताएं जिससे कि हम किसी से अपना पीछा छुड़ा सकें। और दूसरा चैस अली है, इनका नाम, भाई बहन में उच्चारण बताइए गुरुजी। ठीक है, मैं ये भी आपको बताऊंगा, ये सारा एक ही टॉपिक पर बात करिए और ये खुद की सगाई तोड़ने का उपाय है, ये दिव्या दयानंद ने पूछा है, तो मैं आपको आज इसी टॉपिक पर बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, मेरा नाम मोइन खान और मैं सभी अपने प्यारे प्यारी माता बहनों का और प्यारे प्यारे भाइयों का, सभी का जो इस चैनल को, वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल के अंदर बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं सिर्फ वीडियो आप जिन टॉपिक पर मुझे बोलते हैं बनाओ, उन्हीं टॉपिक पर मैं आपके सामने वीडियो लेकर के हाजिर होता हूँ, क्योंकि दोस्तों ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, आपकी सफलता आपको मिले आपके हर काम के अंदर, हर जो भी आपको कुछ भी परेशानी है, आप इस कमेंट में कुछ भी उसकी परेशानी की, उपाय की वीडियो, आप जो जानकारी है उसको ले सकते हो उसकी टॉपिक पर। जैसे ही आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि ये मुझे परेशानी है, मैं अगली वीडियो आपकी उसी परेशानी की टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा, ताकि वो परेशानी आपकी सॉल्व हो जाए। जैसे कि आपने देखा कि हमारे जो कमेंट बॉक्स में बहुत सारे मनु चाटन की विधि बताने के लिए बोल रही हैं, जैसे कि आपने शुरू में स्टार्टिंग में देखा, तो मैं आज उसी टॉपिक पर बात करूंगा। अगली वीडियो आपकी होगी, आप मुझे बताइए आपको क्या परेशानी है, अगली वीडियो जो होगी वो आपकी परेशानी के समाधान के लिए होगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन की जो घंटी होती है उसको दबाइए, ताकि जो आने वाली जो आपकी वीडियो आएगी क्वेश्चन पे वो आप तक पहुंच सके। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे किसी को अलग किया जाता है, दो लोगों को अलग करने का तरीका पानी से मनुच्चाटन, और भाई बहन के बीच जो उच्चाटन होता है, हालांकि ये गलत है, थोड़ा सा कुछ ऐसी परेशानी हो गई होगी उसकी भी जो पूछ रहा है, पर देखो मुझे क्वेश्चन है, अब उसका जवाब तो देना पड़ेगा, पर ये चीज़ गलत इस्तेमाल इस चीज़ का ना करें। और तीसरी, कोई किसी की शादी तोड़वाने का, जो सगाई तोड़वाने का या शादी तोड़वाने का जो उच्चाटन है, वो मैं आपको बताऊँगा, जो तीन कमेंट आए थे उन्हीं के, क्योंकि मैं जो उपाय बताता हूँ सिर्फ वही बताता हूँ जो आप मुझसे पूछते हो। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ इसको करते कैसे हैं। आप पानी के जरिए, एक गिलास पानी से आप किसी भी इंसान की, जो मान लीजिए जो गलत कर रहे हैं, उनकी शादी को तोड़वा सकते हो, अपनी शादी को तोड़वा सकते हो, अपनी सगाई तोड़वा सकते हो, अगर आप किसको किसी से पीछे छुड़ाना है वो छुड़वा सकते हो, या दो लोगों को अलग करना है आपको, अगर दो लोगों को सच में आप किसी को अलग करना चाहते हो, तो ये विधि आपके लिए बहुत कारगर साबित होगी। चलिए मैं आपको बताता हूँ इसको करते कैसे है। सबसे पहले आपको एक गिलास पानी ले लेना है। अब आपको करना क्या है, अगर ये पानी आप बोतल में लेंगे, बोतल जो होती है प्लास्टिक की, तो ज़्यादा बेहतर होगा, ये मैंने आपको दिखाने की वजह से लिया है, आपको एक गिलास पानी लेना है। अब आपको करना क्या है, एक विधि मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, एक ऐसा टोटका है, एक ऐसा नक्श है, बहुत आसान भी है, जिसको आप अपने घर से खुद बना सकते हैं। देखिए, 786 सबसे पहले आपको लिखना है, उसके बाद आपको इस तरीके से एक नक्श तैयार करना है, इस तरीके से बात आपको ध्यान रखना है, आपको दो कॉलम बनाने, इस तरीके से आपको इतने बड़े बड़े दो कॉलम बनाने हैं। अब आपको एक इधर लाइन खींचनी है और आपको एक इधर लाइन खींचनी है, और ध्यान रखिए आपको, अब इसके बाद आपको यहां पर लिखना है, यहां पर आपको लिखना है, और यहां आपको लिखना है 333 331। मैं होता तो अरबी में है ये, पर मैं आपको हिंदी में, ताकि हर कोई कर पाए, और यहां पर जिसको करना है उच्चारण, जिसका करना है, दो लोगों को करना है ना, आपको दो को अलग करना है, दो को करना है, तो यहाँ पर उसका नाम, मान लीजिए उसका नाम
विद्या विद्या है, उसका नाम लड़के का नाम सादिक। अगर आप हो तो आपको अपना नाम यहाँ पर करना है। जब सगाई टूटेगी या अलग करना है तो दो दो जनों का तो एक साथ होगा ना, तो वो दोनों का आपको यहाँ और यहाँ लिखना है आपको। इतना करने के बाद इसको आपको, अगर बोतल हो तो बोतल में, और अगर ग्लास हो ज़्यादा बेहतर होगा बोतल में आप रखें, इसको इस तरीके से डुबा देना है, ये इसके अंदर हो जाएगा। अब आपको 7 दिन का इंतज़ार करना है। 7 दिन के बाद आपको कैसे भी करके आप उसको खाने में इसको खिला दो, या पानी में किसी भी मिला के 1 या 2 बूंद, ज़्यादा नहीं 1 या 2 बूंद, 7 दिन के बाद आप इस पानी में से उस इंसान को जिसको अलग करना है उसको, या जिसकी शादी तुड़वानी है, कैसे भी करके उसको 2 या 3 बूंद खिलवा दो। वो इंसान आपसे जो हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएगा, शादी टूट जाएगी, और वो इंसान आपके कभी ज़िंदगी में आपसे बात तक नहीं करेगा, इतना दूर हो जाएगा। दोस्तों ये आपका पूरा हुआ, और इसी के साथ अगर कुछ आपको पूछना है तो आप हमारे दिए हुए नंबर से पूछ सकते हो। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, मुलाकात होगी अगली नई वीडियो में आपके क्वेश्चन के आंसर के साथ। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।